डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड अब एक्शन, रोमांस और कॉमेडी जॉनर की फिल्मों के बाद अब पौराणिक कहानियों की तरफ भी रुख करने लगा है। कुछ दिन पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अमेरिका में चल रहे D23 एक्सपो में कुछ भारतीय प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था। इसमें महाभारत की सीरीज का नाम भी सामने आया था। कौरव और पांडव की कहानी बयां करते इस महापुराण को पर्दे पर पहली बार B.R. चोपड़ा ने दर्शाया और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अन्य डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसे दर्शकों के सामने पेश किया। अब इस पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां भी सामने आ सकती हैं। साथ ही इसका बजट सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला ने महाभारत पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने ही हेरा फेरी और वेलकम जैसी पॉपुलर कॉमेडी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाने का उनका मकसद महाभारत को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म बनाना है। बताया जा रहा है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पर पिछले 4-5 सालों से काम भी चल रहा है, लेकिन इसके प्री प्रोडक्शन में मेकर्स अभी और कुछ साल लगाएंगे। ऐसे में ये मूवी 2025 में बनकर तैयार हो पाएगी और दिसंबर 2025 में इसको रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें, ओरिजिनल तो हिंदी में बनेगी, लेकिन दूसरी भाषाओं में इसको डब करके पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में इसको रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म 3 घंटे की होगी। फिरोज नाडियाडवाला को पूरा विश्वास है कि भारत अब मार्वल और DC मूवीज को तगड़ा जवाब दे सकेगा। साथ ही द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर जैसी तमाम फिल्मों को भी उनकी महाभारत बराबर टक्कर देती दिखाई देगी। अब क्या सच क्या झूठ बताया जा रहा है कि महाभारत का बजट करीब 700 करोड़ रुपए है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये भारतीय सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो जाएगी। वैसे सूत्रों की माने तो इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर समेत अन्य स्टार कास्ट का नाम भी शामिल है। हालांकि कौन क्या प्ले करेगा ये अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा मेकर्स नई और जानी मानी एक्ट्रेसेस को भी कास्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं। इसमें साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट भी शुमार है। फिलहाल इस पर अभी काम चालू किया जा रहा है, वैसे कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे आपको बता दें, इसमें एक्शन जो दिखाए जाएंगे वो रियल होंगे। VFX का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें उससे ज्यादा ध्यान किरदार, कहानी, इमोशंस और डायलॉग्स पर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी USA के लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड किया जाएगा। वहां की टॉप क्लास कंपनी इसके VFX का काम करेगी। ये पहली फिल्म होगी जो 5D में शूट की जाएगी। न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड सिनेमा हॉल्स में इसको रिलीज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।